अरे ये क्या, आज सूरज देवता इतनी जल्दी निकल आए, बड़ी जल्दी सवेरा हो गया। अरे जाकर देखो कान्हा सोकर उठा या नहीं। बताओ यशोदा बहन, सौतेली माँ हूँ, परंतु कभी इसे अपनी पुत्री से कम नहीं समझा, इसलिए मनमानी करती रहती है, दिन भर लड़कों के साथ ही खेलती है। लड़कियों से कम, लड़कों से अधिक मित्रता है इसकी। लो देखो कपिला बहन, कल तो मैं राधा बिटिया से ठीक से मिल ही नहीं पाई। कहाँ है वो? होगी कहाँ, बिछौने पर पड़ी सो रही होंगी महारानी। सूरज सिर पर चढ़ाएगा तभी उठेंगी राधा रानी। मैया, वो यशोदा मैया, वो कान्हा कहाँ है? वो तो गया। गया? कहाँ गया? अपने मित्रों के साथ स्नान करने हैं, और कहाँ, यमुना के तट पर। अरे तू कहाँ चली? वो जल लाने। अरे तो क्या चुल्लू में जल लाएगी? जा जाकर मटकी तो ले ले। देख लिया कैसी पगलाई सी रहती है, जब से गोकुल से लौटी है जाने कहाँ ध्यान रहता है इसका। अभी छोटी है। काहे की छोटी है, ब्याह ठहर गया है इसका। अरे देर ना करना जल लाने में, कहीं ग्वालों के संग खेलने ना बैठ जाना। यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं, सीधे सरल, सभी से प्रेम करने वाले। हमें तो यहाँ पे माखन चुराने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो तो है। अरे माधव, आज बलदाऊ नहीं आए स्नान के लिए? वो तो पहले ही स्नान करके चले गए। क्यों? नए घर में निवास का प्रबंध हो रहा है ना, इसीलिए बाबा ने बुला लिया। अरे ये राधा यहाँ क्यों आ रही है? कान्हा, कान्हा, अरे जल के अंदर क्यों छिप गए, बाहर आ जाओ। ये समय तो हम लड़कों के स्नान का है, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? मैं तो कान्हा से मिलने आई हूँ, मुझे कान्हा से काम है। ये झूठ बोल रही है, कुछ काम वाम नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, अभी कान्हा तुमसे नहीं मिल सकता। ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, मैं तो बिना मिले नहीं जाऊंगी। देखो तो कैसी ठीठ है, अरे दिखाई नहीं देता, हम लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं।
अच्छा तो ये बात है, तुम तीनों के कपड़े यहाँ पड़े हैं, इसलिए छिप रहे हो। हाँ, अब समझ में आया। अब तो मैं आज दिन भर यहीं बैठी रहूंगी। क्या? नहीं नहीं राधा, देखो ऐसा मत करना, तुम जाओ, मैं अभी आकर तुमसे मिलता हूँ। देखो कैसी हंस रही है, तुम हंस क्यों रही हो? ये बात कान्हा जानता है। क्यों कान्हा? लो मुझे क्या पता तुम क्यों हंस रही हो। अच्छा मैंने सुना है कि एक बार तुम गोपियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गए थे। अच्छा तो आज तुम भी मेरे साथ वही करोगी? हाँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस दिन गोपियों को कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे तो सभी के कष्टों का ज्ञान है, तुम बैठी रहो, मुझे क्या। अरे परंतु मुझे तो ठंड लग रही है, राधा तुम जाओ ना, वैसे भी हम लड़कियों के साथ नहीं खेलते। परंतु तुम्हें मुझे अपने साथ खिलाना पड़ेगा। नहीं ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं तुम लोगों के कपड़े लेकर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। तो वचन दो कि तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे और अपने साथ खिलाओगे। अभी हाँ बोल दो माधव, बाद में देखेंगे। हाँ हाँ तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। क्यों कान्हा, तुम भी कहो। मैं तो वृंदावन तुम्हारे लिए ही आया हूँ। हाँ हाँ मैं भी वैसा ही करूँगा। ठीक है तो मैं जाती हूँ, ध्यान रखना अपना वचन। हे भगवान, ये तो बड़ी हटी लड़की है। गोकुल था बिरज का वासी, कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल था बिरज का वासी, कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर यही है, चलिया माखन चोर। गोकुल धाम बिरज का वासी, कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसने हमारी, वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर यही है। छेड़ता